अपनी गाड़ी जो अपन ने लिया है उस गाड़ी का नाम है, तो अभी मैं चलाने वाला हूँ स्प्लेंडर। सुनील भाई अपने पीछे बैठे। 3,500 रुपए का जो खर्चा है भाई ने बताया है। अपने जो स्टेयरिंग रेक हो गया बहुत टाइम लग गया एंड अभी वो खुल चुका है। सो हेलो गाइस, दिस साइड तुम्हारा भाई नवराज एंड अभी आप देख रहे हैं नोनी के ब्लॉग्स। आज दिन है बुधवार का और शाम के बज रहे हैं 4। तो आज का ब्लॉग अपन शूट कर रहे हैं किसके ऊपर, कि अपनी गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के ऊपर मतलब कैसे, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन ने कार परचेज करी है, कौन सी कार ली है, कैसे क्या लगी है। मैं अभी अपनी गाड़ी के अंदर ही हूँ एंड मंडे का ब्लॉग जो मैंने बताया था कि मैंने मंडे का ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो मंडे का ब्लॉग जो है मैं इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि जो अपन ने गाड़ी खरीदी है तो उसके अपन पेपर वर्क के लिए जो भी है RTO ऑफिस गए थे। तो घर से मैं सोच के गया था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बट वहाँ पर जाके ऐसा थोड़ा काम में फंस गया था कि ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया था मैं वहाँ पर जाके। तो आज जो है मैं आपकी सारी डिटेल बताऊँगा कि अपन ने कौन सी गाड़ी ली, इसमें अभी तक क्या क्या काम करा लिया। तो इसमें RTO का अपना काम हो चुका है समथिंग 1 वीक। इसमें को लगेगा कि अपने नाम पे जो है गाड़ी हो जाएगी, इसका इंश्योरेंस हो जाएगा, इसका RC कार्ड रिन्यू हो जाएगा 5 साल के लिए। तो जो भी है अपने नाम पे ये गाड़ी हो गई है एंड मैं बताता हूँ आपको भी बाहर चल के इसमें क्या काम हो रहा है और अभी अपन ने इसमें क्या क्या काम करवा लिया है। तो चलते हैं इसमें बाहर और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो चलिए आपने गाड़ी की वीडियो देखी एंड कौन सी गाड़ी है मैं आपको बताता हूँ एंड इसमें क्या काम हो रहा है। बाहर जो है बहुत शोर हो रहा है, गाड़ी के हॉर्न वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो इस वजह से मैं बाहर शूट नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया था जो अपने सुनील भाई हैं कार के स्पेशलिस्ट हैं एंड कार का पूरा काम उनको आता है, तो अपन उनसे ही अपना गाड़ी का जो भी है काम करवाते हैं एंड जो भी उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। एंड आप अगर आपके पास कार है एंड अगर कार का आपको कुछ भी काम करवाना है तो सुनील भाई से करवाइए, बहुत अच्छा काम करते हैं सही पैसे में। तो उनका नंबर मैं नीचे दे दूंगा एंड मैं आपको अपनी गाड़ी की चीज़ें बताता हूँ कि अपनी गाड़ी जो अपन ने ली है उस गाड़ी का नाम मारुति की गाड़ी है, इस टीम जो है MPA 5 है एंड ये मॉडल है 2006 जो अपन ने ली है ये गाड़ी। एंड जब अपन ने ली थी जब तो बहुत ही बेकार कंडीशन में थी, तो अपन जब इसमें परचेस करा था तो अपन ने इसमें पेपर वर्क का काम नहीं करवाया था एंड जो भी ऊपरी कंडीशन है जो भी अपन ने चल सर्विस वगैरह सब करवा ली थी इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या करवाया था। तो जैसे कि आपको इस सीट कवर दिख रहा है पीछे, इधर भी देख लीजिए ये सीट कवर दिख रहे हैं, ये जो है सीट कवर परचेस करे थे मैंने, ये मतलब पूरा सेट करवाया था, पूरा फिक्स करवाया था ये सीट कवर जो मैंने लगवाए थे। एंड जो आधी नीचे पहले पूरी गोल्डन कलर की थी गाड़ी, ब्लैक आपको दिख रही है, तो ये मैंने रेडियम करवाया था इस पर, आधी पूरी ब्लैक करवाई थी ऊपर से, तो उस ऊपर का रेडियम हो गया। ये सीट कवर जो है मैंने लगवाए थे एंड इसमें और क्या करवाया था मैंने गाइस, जो व्हील कैप होते हैं टायर ऊपर जो व्हील कैप लगते हैं वो व्हील कैप मैंने लगवाए थे एंड और क्या करवाया था मैंने, व्हील कैप के बाद ये रेन वाइजर होते हैं इधर डलवाए थे एंड ये आपको ये कांच दिख रहे होंगे, पहले पूरे प्लेन थे सिंपल थे वाइट कलर के थे, इस पर जो 50% वाली विनाइल होती है वो विनाइल मैंने इस पर चढ़वाई थी। तो ये सारा काम अपन ने करवाया था, जनरल सर्विसिंग ऑयल हो गया, कूलेंट ऑयल हो गया, जो भी इसमें चीज़ें होती है वो होता है, तो वो सारी चीज़ अपन ने करवाई थी इसमें। और जो इसमें RTO का पेपर वर्क का काम था वो भी अब कंप्लीट हो चुका है कुछ टाइम में, 4-5 दिन या 1 वीक के अंदर अंदर अपने नाम पे जो है गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी, इंश्योरेंस हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगी। एंड इस पर अपन गैस भी लगवाएंगे जो कि LPG लगवाते हैं या CNG लगवाते हैं, उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाएंगे। तो कैसे क्या खर्चा आता है, कैसे क्या सामान लेना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा उस ब्लॉग में। अभी तो कुछ सीन नहीं है ऐसा, तो उस ब्लॉग के बाद उस ब्लॉग में करेंगे। तो अभी जो इस गाड़ी में काम हो रहा है मैं आपको काम का बता देता हूँ कि सुनील भाई अपनी गाड़ी में काम कर रहे हैं, जो कि है अभी दोनों टायर, जैसा कि आपको देखा है दोनों टायर के नीचे जो है अभी जैक लगा हुआ है एंड गाड़ी AC होती है तो AC खड़ी हुई है अभी गाड़ी। एंड मैं फिर भी पीछे बैठा हूँ, तो मैं ऐसे बिना पीछे नहीं बैठा हूँ, सुनील भाई नीचे लेट के काम कर रहे हैं और अभी जो है गाड़ी में काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है गाड़ी में, जो अपना इसकी ये स्टीम है MPA 5 एंड इसमें पावर स्टेयरिंग पावर विंडो है चारों, तो चारों पावर विंडो जो है वो तो काम करती है। पावर स्टेयरिंग में थोड़ा काम था तो थोड़ा हार्ड कटती थी वो गाड़ी, तो हार्ड कटती थी तो उसकी वजह से सुनील भाई को मैंने बताया था, सुनील भाई ने बोला ऐसा ऐसा काम होगा, तो उस टाइम अपने पास बजट नहीं था तो इसलिए उस टाइम अपने काम नहीं करवाया था। तो अभी जो है अपना थोड़ा बहुत बजट बना है तो मैं सुनील भाई के पास आया था, सुनील भाई ने गाड़ी अभी खोल ली है अपनी यहाँ पर एंड जो है सुनील भाई ने पूरे दोनों टायर खोले एंड मेरे को अभी बोल रहा था कि भाई इसमें पावर स्टेयरिंग की बहुत अलग ही लाइन है, बहुत कुछ खोलना पड़ता है उसको निकालने के लिए। तो अभी अपन वो निकाल रहे हैं, वो निकाल के फिर सुनील भाई कहाँ लेके जाते हैं उसको रिप्लेस करते हैं या उसी को रिपेयर करवाते हैं, तो उसकी क्लिप भी मैं अभी शूट करूँगा। तो चलते हैं बाहर, सुनील भाई से बात करते हैं थोड़ी और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो चलिए
है सुनील क्या? 5 मिनट बस हो गया। तो भाई सुनील भाई को चाय पीनी थी एंड उन्होंने बोला कि आगे से चाय पार्सल करा के लिया, तो सुनील की बाइक से मैं भी गया था चाय पार्सल कराने एंड अभी मैं चाय पार्सल करा के आ गया हूँ एंड अपने जो स्टेरिंग रेक हो गया बहुत टाइम लग गया एंड अभी तो सुनील भाई जो है अभी बाहर है एंड जो भी है चाय पी रहे हैं अभी। तो जैसा कि मैंने अभी वीडियो आप में देखा होगा, मैंने जो एक बाइक की वीडियो बनाई थी और एक रेस्टोरेंट की वीडियो बनाई थी। स्प्लेंडर है, सुनील भाई ने जो है गिरवी रखी है 10,000 रुपये में जो है सुनील भाई ने गिरवी रखी है। और क्या बोलते हैं, जो भी ये भी अच्छा काम है गाइस, अगर आपके पास पैसा है तो आप ब्याज पर चला सकते हैं, बट निकालने वाला होना चाहिए। अब इस कितने के परसेंट पे रखी है, कैसे क्या मिलेगा, गाड़ी डूबेगी उठा लेगा, जो भी है उसका मेरे को नहीं पता। और क्या बोलते हैं, जो मैंने रेस्टोरेंट में वीडियो बनाई थी तो वो रेस्टोरेंट अपने भाई का है, अपने भाई ने अभी अभी ओपन कराया, उसने पैसा इन्वेस्ट कराया एंड जो भी रेस्टोरेंट ओपन कराया अभी उसने, तो जो कि भानपुर पे है, टेस्ट ऑफ सेवा करके जो है रेस्टोरेंट है भाई का एंड भाई को सपोर्ट करिए। अगर आप इतने एरिया में रहते हैं भानपुर में या भानपुर साइड आते हैं तो वहाँ पर जाके कुछ खाइए एंड जो भी है चाय वगैरह सब मिलती है वहाँ पे एंड फास्ट फूड वगैरह सब कुछ मिलता है, तो जो भी है वहाँ पे जाइए, भाई को सपोर्ट करिए अपने। हाँ तो गाइस यही है जो पावर स्टीयरिंग की रेक, जो कि खुलने में इसको इतना टाइम लग गया, फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद सुनील भाई ने निकाल ली है। हाँ तो अभी मैं चलाने वाला हूँ स्प्लेंडर है सुनील भाई अपने, जो कि स्टीयरिंग रेक है और आर्म करके होते हैं, तो वो हमने खोल के ले लिया। और अभी अपन चल रहे हैं कवाड़ खाने, तो कवाड़ खाने में देखते हैं, एक्सचेंज में देखेंगे, रिपेयरिंग में दोनों का जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं गाड़ी चलाऊंगा एंड वहीं जाके जो है व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, तो चलते हैं। जैसा भी हुआ कि अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी अपन जो है घर आ चुके हैं, तो अपन गए थे कपड़ खाने एंड वहाँ पे अपन ने सामान, अपन थोड़ा लेट हो गए थे तो वहाँ पे कुछ दुकानें, बहुत सी दुकानें जो बंद हो चुकी थी एंड उन्होंने बोला कल सुबह आना, तो कल सुबह अच्छे से अपन पूरा वहाँ पे देख लेंगे एंड उसके बाद जो है अपन वहाँ पे मॉडल ग्राउंड गए। ग्राउंड में ये हुआ भाई कि रिपेयरिंग का खर्चा उसमें आ रहा है, रिपेयरिंग का कुछ सामान और वो सब कुछ इंक्लूड करके पूरा फिक्स करके 3,500 रुपये का जो खर्चा है भाई ने। अभी अपन वहाँ पे सामान छोड़ के आ गए हैं सुनील भाई ने जहाँ पे भानपुर पे, जो कि वसीम भाई की दुकान पे अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी वो वहीं पे खड़ी करी, अपन पूरे लॉक करके वहाँ पर आ गए हैं एंड जो भी है गाइस कल सुबह चलेंगे गाड़ी में से और कुछ थोड़ा वो सामान निकालना है एंड उसके बाद वो सामान देखेंगे कवाड़ खाने में, अपन को जो भी पार्ट्स चाहिए वो कवाड़ खाने में एक बार सर्च कर लेंगे, अगर मिल रहा होगा तो ठीक है, नहीं मिल रहा होगा तो अपन कल उसी को रिपेयर करवा लेंगे। तो ये वाला ब्लॉग आज अपन यहीं पे एंड करते हैं एंड कल का जो भी सीन होगा छोटा सा ब्लॉग मैं बना के डालूंगा, तो स्टे ट्यून रहिए और बने रहिए अपने चैनल पे। तो मिलेंगे आपसे कल, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अभी के लिए गुड नाइट।